बुंदेलखंड की पावन वसुंधरा के मध्य टीकमगढ़ जिले में स्थित अपने हजारों अतिशयों के लिए सुप्रसिद्ध 1000 वर्ष प्राचीन महाअतिशयकारी मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की चमत्कारी प्रतिमा से सुशोभित विश्व के प्रथम रजत तीर्थ श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा जी की पुण्य धरा पर हो रहा है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज से संघ का पावन वर्षायोग 2021। विश्व के प्रथम रजत तीर्थ के सहस्त्रकूट जिनालय में एक प्रतिमा खड़गासन 2,11,000 एवं एक पद्मासन प्रतिमा 1,51,000 की राशि में विराजमान कर पुण्यार्जन करें, साथ ही अपने परिवार के नाम से शांति धारा कराने के इच्छुक दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। युगों युगों से प्राचीन तीर्थ हमारी सांस्कृतिक धरोहर एवं आस्था के केंद्र रहे हैं। चाहे वो सिद्ध क्षेत्र हो या अतिशय क्षेत्र, दोनों ही भूमियां हमारे लिए परम पूजनीय हैं। ऐसा ही एक प्राचीन ऐतिहासिक तीर्थ है अतिशय क्षेत्र बंधा जी, जो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से 40 किलोमीटर दूर टीकमगढ़ झांसी हाईवे पर ग्राम बमहोरी से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हजारों वर्षों से ये तीर्थ अपने अतिशयों से जनशासन की ज्योति निर्बाध रूप से प्रज्वलित कर रहा है। जब हम इतिहास देखेंगे तो अतिशय क्षेत्र बंधा जी का नाम सबसे ऊपर आता है। यहां मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की प्रतिमा 1000 वर्ष से अधिक प्राचीन है। प्रतिमा के ऊपर जो स्वस्ति लिखी है वह चैत्र सुदी 13 संवत 1199 ईस्वी की अंकित है। मूल नायक के दाएं और बाएं दो प्रतिमाएं खड़गासन में विराजमान हैं। एक प्रतिमा संभवनाथ एवं दूसरी प्रतिमा आदिनाथ भगवान की है, जो संवत 1209 ईस्वी की है। मूल नायक वेदी नीचे भौंयरे में विराजमान है, जिसके चलते भगवान अजितनाथ जी को भौंयरे वाले बाबा भी कहा जाता है। इतिहासकारों का कथन है कि मूर्ति भंजक दिल्ली का मुगल शासक औरंगजेब अनेक जैन एवं हिंदू तीर्थों की मूर्तियों को नष्ट करता हुआ जब बंधा जी पहुंचा और भगवान अजितनाथ की मूर्ति के ऊपर हथौड़े से प्रहार किया, तो उसी क्षण वह अदृश्य जंजीरों से बंध गया। मूल नायक भगवान अजितनाथ के इस अतिशय को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया और पश्चातापूर्वक क्षमा याचना करके बंधन से मुक्ति पाई। तभी से इस क्षेत्र का नाम बंधाजी पड़ा। बंधाजी के दर्शनार्थ भक्तों का आवागमन वर्ष भर लगा रहता है, क्योंकि भौंयरे वाले बाबा भगवान अजितनाथ के अतिशय ही कुछ ऐसे हैं जिन्हें शब्दों में बयान कर पाना बहुत कठिन है। युगश्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि की प्रेरणा एवं कृपा दृष्टि से अतिशय क्षेत्र बंधाजी में विश्व का प्रथम रजत तीर्थ का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है, जिसके लिए संपूर्ण जैन समाज तत्पर है। आचार्य भगवान कहते हैं कि जो प्रतिमाएं हजारों वर्ष प्राचीन हो जाती हैं वह स्वयं अतिशयकारी हो जाती हैं। उन प्रतिमाओं से हमें अतिशय देखने को मिलते हैं और वास्तव में भगवान अजितनाथ के अनेकों अतिशय बंधाजी वासियों ने साक्षात देखे हैं। आप भी ऐसे अतिशयकारी चैतत्य चमत्कारी बाबा भगवान अजितनाथ के दर्शनार्थ बंधाजी अवश्य पधारें। इस पावन वसुंधरा पर वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज ससंघ का पावन रजत तीर्थ वर्षायोग भक्तिभाव से संपन्न हो रहा है, जिसके चलते अनेकों भक्त यहाँ पावन अभिषेक शांति धारा एवं मुनि संघ की मंगलवाणी का लाभ प्रतिदिन ले रहे हैं। हम हम सम सम तम तम पम पम हम 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 सम सम तम तम पम पम जम जम जिम 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 द्राम दिम दाव दाव नमोते भगवते श्रीमद् भविष्य स्वाहा तिरोत्तम भवै निरय चिरवाय रूप कै स्नाभम जनाजना सुसुतान ओम रीम श्री विश्वादि विरंद जले सम स्वाहा ओम रीम श्री विश्वादि विरंद जले सम स्वाहा ओम रीम श्री विश्वादि विरंद जले सम स्वाहा सकल भुवन्नातम तव जनेन्दम सुरेन्द्रय रवि सब विधिमास्तम स्नाप स्नापम यद विसंभार बिंदु नृपनुपा प्रभात भक्त सम्मुक्त लक्ष्मी ओम रीम श्रीम क्लीम ऐं अरं बं मं हं हं सं सं तं तं पं पं बं बं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं चीं 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 द्रां दीं दाव दाव छीं हं सा छा वा हा सा छा छीं छुं छीं छुं शं रं ह्रीं रां रूं रं रं दमो नमोते श्रीमते ठाटा इति विक्षन्ति मन्तावश्यकं करोमि ओम रीम श्री विश्वादि विरांत जलेश्वर स्वाहा ओम रीम श्री
सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः शिवित्रागाय नमः नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अध्यायाणम नमो लोए सौ साहूणम चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केबली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारी लुगुत्मा अरहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केबली पन्नतो धम्मो लुगुत्तमो चत्तारी शरण पब्जामि अरहंते शरण पब्जामि सिद्धे शरण पब्जामि साहू शरण पब्जामि केबली पन्नतम धम्मम शरण पब्जामि ओम भीमनादि मूल मंत्रे भो नमः सर्वेषां शांति धारा कर्तृणां दुष्टिणां सूत्रिणां च सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु ओम नमो ते भगवते स्पिक्षेण दोष कलमसाए दिव्य तेज मूर्ति नमा श्री शांतिनाथाय शांति कराए सर्व विपनाशाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशाय सर्व कुचिदोम विनाशाय सर्व छामडाम विनाशाय ओम राम रीम रोम रम रास्याउसा नमा सर्व शांति तुष्टि पुच कुरकुरु ओम रोम छू फटके टिकटी घाताय घाताय पर विघ्ना स्पुष सस खंडान कुरकुरु परमोद्दान छिन छिन परमिंतान छिन छिन छावाहा हूं फट सब शांति कुरकुरु ओम रीम श्रीम क्लीम अरम अस्याउसा नाद विद्याय इणम ओरिहंताणम सर्वि शांति कुरकुरु ओम आहरा श्री हुआ आहु रोम साहा जगदा विनाशनाय ह्रीम शांतिनाथाय नमः सर्व शांति कुरकुरु ओम रीम श्री शांतिनाथाय अशोक तर सपनमंताय अशोक तर सप्रसोक प्राय हम रूबिया सबुद शांति कराए नमः सर्व शांति कुरकुरु ओम रीम श्री शांतिनाथाय सूर्य पुष्प सपनमंताय सूर्य पुष्प सप्रसोक प्राय भम रूबिया सबुद शांति कराए नमः सर्व शांति कुरकुरु ओम रीम श्री शांतिनाथाय दिव्य धुनि सपनमंताय दिव्य धुनि सप्रसोक प्राय मम रूबिया सब शांति कराए नमः सर्व शांति कुरकुरु ओम रीम श्री शांतिनाथाय चामरोजल सपनमंताय चामरोजल सप्रसोप्राय रम रूबिया सब शांति कराए नमः सर्व शांति कुरकुरु ओम रीम श्री शांतिनाथाय सिंहासन सपनमंताय सिंहासन सप्रसोप्राय घम रूबिया सब शांति कराए नमः सर्व शांति कुरकुरु ओम रीम श्री शांतिनाथाय दुंदवी सपनमंताय दुंदवी सप्रसोप्राय झमरूबिया शांति कराए नमः सर्व शांति कुरकुरु ओम रीम श्री शांतिनाथाय भामंडल सपनमंताय भामंडल सप्रसोप्राय झमरूबिया शांति कराए नमः सर्व शांति कुरकुरु ओम रीम श्री शांतिनाथाय पितियश्चैताय विजष्टमंडलमंताय सर्व शांति कराए नमः सर्व शांति कुरकुरु तौ भक्ति प्रसाद लक्ष्मीपुर राजगे पद विष्ट भव दरिद्र भव भवद शौचक प्रचकु भव प्रचंड पवना दय जलोद भव शाकनी डाकनी भूत पिशाच कृतिक्ष दुर्विक्ष व्यापार विद्रय तम विनाशनम भवतु सांधारकर्ता श्री ऋषभ कुमार जी संतोष कुमार जी जैन सानिध्य संस्कार नितिन सुत जैन अलीपुरा के सप्रवाह शांति हेतु श्री अनुज कुमार जी सीमा जैन आदि जैन पन्ना के सप्रवाह शांति हेतु श्री अनिल कुमार रेखा जैन सुरेंद्र कुमार जैन स्वम जैन मयंक जैन प्रासु जैन ममता जैन शशांक सुरेंद्र कुमार धर्मजी जैन सर्व परिवार के सप्रवाह शांति हेतु श्री राहुल कुमार रोशन रोशनी जैन सप्रवाह के सागर के सप्रवाह शांति हेतु राजेंद्र कुमार मणि जैन विनोद जैन अनिता जैन समस्त परिवार के सप्रवाह शांति हेतु श्री लालचंद जैन भगवती जैन पिवीण जैन पिया जैन नैन्सी प्रिंसी शुभ जैन समस्त कारी परिवार के सप्रवाह शांति हेतु श्री लाला मदन लाल जैन गुड़गांव के सप्रवाह शांति हेतु श्री विमल कुमार जैन श्रीमती पुष्पा जैन राय जैन श्वेता जैन भोपाल के सप्रवाह शांति हेतु श्रीमान प्रेमचंद जैन साडा दिखपुर के सप्रवाह शांति हेतु श्री ऋषभ कुमार जैन गोयल श्रीमती ममता गोयल बांदरी वाले सागर के सप्रवाह शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री प्रभा जैन बरजत संगीत जी बरजत्ता रौनक बजत सोनल रौनक जैन गुवाहाटी के सप्रवाह शांति हेतु एवं सभी शांतिकर्ता के सप्रवाह शांति देशस्य राष्ट्र एवं समस्त जैन समाज की सप्रवाह शांति हेतु श्री शांतिरस्तु सिमस्तु जयोत्तमस्तु नित्यमायग्रस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु
तुष्टजस्तु समिद्रस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभेद्रस्तु कुलगोत धन सदास्तु श्री सद्धम बलाव विद्रस्तु ओम ई मरणमो संपूर्ण कल्याण मंगल रोग मोक्ष प्रसाद भवतु। धर्म स्नेही भवात्माओं, इस औसर्पणी काल में कितने तीर्थंकर हुए इस भरत क्षेत्र में? 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए? 24 तीर्थंकर हुए। ऐसे ही ढाई द्वीप में 5 भरत क्षेत्र हैं और 5 ऐरावत क्षेत्र हैं। सब में 24 तीर्थंकर अवसर्पणी काल में होते हैं और उस सर्पणी में भी 24 तीर्थंकर होते हैं। चतुर्थ काल में इन 24 तीर्थंकर भगवंत का धर्म तीर्थ प्रवर्त रहता है। चूंकि हुंडा अवसर्पणी काल है और हुंडा अवसर्पणी काल के कारण तिथि काल के अंत में वहीं से कर्म भूमि प्रारंभ हो गई और तिथि काल में ही आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ और उनके पंच कल्याणक तिथि काल में ही मनाए गए और तिथि काल में ही उनको निर्वाण की भी प्राप्ति हो गई। बाकी फिर अजितनाथ भगवान से चतुर्थ काल में 23 तीर्थंकर हुए। तो चतुर्थ काल के आदि में कौन से तीर्थंकर हुए? अजितनाथ भगवान जो यहां अतिशयकारी विराजमान हैं, वह उनका श्रमो शरण लगा। जब उनका श्रमो शरण लगा उस समय 5 भरत और 5 ऐरावत पूरे क्षेत्रों में तीर्थंकर विद्यमान थे। और विदेह क्षेत्र कितने हैं? 5 विदेह क्षेत्र हैं ढाई द्वीप में। एक विदेह क्षेत्र में अधिक से अधिक 32 तीर्थंकर होते हैं। और 5 विदेह क्षेत्र में कितने हो जाते हैं? 32 × 5 = 160। तो उस समय अजितनाथ भगवान के समय में 160 विदेह क्षेत्र में और 5 भरत में और 5 ऐरावत में ऐसे 170 तीर्थंकर अधिक से अधिक ढाई द्वीप में हो सकते हैं। उस समय अजितनाथ भगवान के समय में ढाई द्वीप में 170 समवसरण लगे हुए थे। उसके बाद फिर किसी तीर्थंकर के समय में 170 सीटें भरी नहीं रही। ऐसा यह अतिशयकारी क्षेत्र बंधा जी है जहां पर लोग एक बार आते हैं तो बंध जाते हैं। इनके दर्शन करने के लोगों को बार बार भावना होती है। जब शुरुआत में सिद्ध चक्र विधान हुआ था तब ये कहा था कि यहाँ पर आप लोगों ने इतने सारे समूषण 25-30 समूषण बना करके भगवान की आराधना की थी। तब उस मन में आया था क्यों ना यहाँ पर अतिशयकारी अजितनाथ भगवान का अतिशय तो है ही और उनके काल में 170 समोसरण ढाई दीप में लगे हुए थे तो क्यों ना बंधाजी में भी ऐसा कार्य हो जाए। तो सोने पे सुहागा। और यहाँ के लोगों ने भी भावना बना ली, महाराज के मुख से निकला है और इन लोगों ने निर्णय ले लिया। गुरुदेव का आशीर्वाद आ गया। पर्यूषण पर्व में यहाँ पर 170 समवसरण लगेंगे और उनकी आराधना समूषण विधान के माध्यम से होगी। साथ साथ में पर्यूषण पर्व में जो संस्कार शिविर होता है वह शिविर भी लगेगा। 10 दिन आकर के यहाँ पर सारे भारतवर्ष के लोग
इसका लाभ अच्छी तरह से उठा सकते हैं। ऐसा सुअवसर पहली बार आया है और वह गुरुदेव के आशीर्वाद से और भगवान के अतिशय से ये हुआ है। यहाँ पर 170 समोह शरण लगेंगे, जिसमें मूल समोह शरण अजितनाथ भगवान का होगा और उसमें सभी लोग मिलकर के आराधना करेंगे। अभी आपके सामने मंगलाचरण किया आचार्य भगवंत ने, 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति की है, उसमें अजितनाथ भगवान की स्तुति करते हुए ये कहा है कि भगवान आप हार जीत से ऊपर उठ गए हैं, ना तो आपको हार से मतलब है ना जीत से। संसारी प्राणी हारता है तो उदासीन हो जाता है और जीत जाता है वो प्रसन्न हो जाता है। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि किसी की जो वृत्ति होते हैं वह हार और जीत में हर्ष और विषाद नहीं करते। हार जीत से हो परे हो अपने में आप, हे भगवान अजितनाथ भगवान आप अपने आप अनंत चतुष्टय में लीन रहते हो, ना आपको हार से मतलब है ना जीत जीत से मतलब है। आपकी कोई पूजा आराधना कर जाए तो आप प्रसन्न नहीं होते और आपको कोई अगर अपशब्द कह जाए तो आप नाराज नहीं होते। लेकिन भगवान जिन्होंने आपकी पूजा आराधना की है वह सब कुछ प्राप्त कर जाते हैं, स्वर्ग आदि सुखों को प्राप्त हो जाते हैं। और भगवान जिनने आपको अपशब्द कहे आप तो कुछ नाराज नहीं होते, लेकिन वह स्वयमेव ही दुर्गति के पात्र हो जाते हैं। ऐसे भगवान का अतिशय, भगवान कुछ कहते नहीं, आंख उठा करके भी नहीं देखते, लेकिन जो भगवान की भक्ति पूजा आराधना करता है उसकी स्वयमेव ही झोलियां भर देते हैं। हार जीत से हो परे हो अपने में आप, विहार करते अजित हो यथा नाम गुण छा। आप विहार करते हो अजित यानी किसी प्रकार से कोई निराबाद आप विहार करने वाले हैं।